बॉलीवुड के पहले चॉकलेटी हीरो देव आनंद की आज पुण्यतिथि है। अविभाजित पंजाब के गुरदासपुर में 26 दिसंबर 1923 को उनका जन्म हुआ। देवानंद का वास्तविक नाम था धर्मदेव पिशोरी मलानंद। सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। देवानंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी निर्देशक थे। 1946 में फिल्म हम एक हैं से करियर की शुरुआत की। 1948 में प्रदर्शित फिल्म जिद्दी से देवानंद हिट हुए। 1949 में देवानंद ने चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से देवानंद ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। फिल्म देश परदेश के निर्माता रहे। उस जमाने के सबसे हैंडसम अभिनेता माने जाते थे देवानंद। अभिनेता देवानंद को 4 बार फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 2001 में पद्म भूषण से देवानंद को नवाजा गया। 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। टैक्सी ड्राइवर, तेरे घर के सामने, गाइड, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम, वारंट, पेइंग गेस्ट, सीआईडी, तीन देवियां सुपरहिट फिल्में रही। मुनीम जी, दुश्मन, काला बाजार, गैम्बलर, इंसानियत, काला पानी, ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 3 दिसंबर 2011 को एवरग्रीन अभिनेता देवानंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया।